सुप्रभात बच्चों, गुरुकुलम की ऑनलाइन कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं सानिया तिवारी, आपकी हिंदी शिक्षिका। तो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्यपुस्तक का पाठ 9 साहसी गोविंदन पढ़ेंगे। यह एक साहसी बालक की कहानी है। उस बालक का नाम गोविंदन था। तो एक बार की बात है, गोविंदन स्कूल जा रहा था और उसी समय उसे सड़क पर एक बूढ़े अंधे आदमी दिखाई दिए और वहीं दूसरी ओर आदमी के सामने से एक तेज गति से बस आ रही थी। तब गोविंदन ने सोचा कि अगर इस बस की गति धीमी नहीं हुई तो, और वह इतना सोच करके बहुत जोर से चिल्लाया कि अरे भाई देखना। और यह आवाज सुनकर वह बूढ़े आदमी थोड़ा तो रुके, पर वह फिर आगे बढ़ गए। अब बस की गति धीमी ना होती हुई देख गोविंदन घबरा गया और उसने बहुत जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की कि अरे रुको, देखो सामने एक अंधा आदमी है। पर वह बस जरा भी धीमी नहीं हुई। अब वह भागते हुए सड़क के बीच पहुंच गया और तभी बस ड्राइवर ने सोचा कि ये बच्चा यहाँ सड़क पर क्या कर रहा है, और उसने बहुत जोर से हॉर्न बजाया और पूरी ताकत से ब्रेक लगाया। तब गोविंदन ने उन बूढ़े आदमी को धक्का देकर के सड़क से हटाया और दोनों जाकर के सड़क के किनारे गिर गए। तभी बस ड्राइवर गुस्से में लाल होकर के बस से उतरा और उसने गोविंदन का हाथ पकड़ करके बहुत जोर की डांट लगाई। तभी गोविंदन ने उनसे कहा कि अरे मेरी बात तो सुनिए, पर बस ड्राइवर ने उनकी एक ना सुनी। और जैसे ही उसने गोविंदन को मारने के लिए हाथ उठाया, तभी स्कूल के कुछ बच्चों ने हेडमास्टर को अपने साथ ला करके सारी बातें बताई। और तभी गोविंदन से हेडमास्टर साहब ने कहा कि मुझे तुम पर गर्व है, मैंने सब कुछ देखा है। और उन्होंने गोविंदन को शाबाशी दी और फिर उन्होंने बस ड्राइवर को सारी बातें समझाई। और सारी बातें सुनने और समझने के बाद बस ड्राइवर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने गोविंदन से माफी भी मांगी। और इसी तरह गोविंदन की सूझबूझ और साहस की सबने प्रशंसा की और गोविंदन को राष्ट्रपति के द्वारा गणतंत्र दिवस पर वीर बालक का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बच्चों, हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें साहस से काम करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छे से समझ आई होगी। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।